गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेवन्थ के चैप्टर फाइव आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस आज ही हम लोग SST में से हिस्ट्री के चैप्टर फाइव को आगे पढ़ेंगे। हम लोग टुडे विल डिस्कस अबाउट व्हाई वाज टेंपल डिस्ट्रॉयड। इसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए जाते थे। व्हेन किंग अटैक द नेबरिंग एरिया देयर मेन टारगेट यूज टू बी द टेम्पल एंड मॉस्क बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू द गॉड एंड रिशेस। उस समय राजा लोग क्या करते थे, बहुत सारे मंदिर बनवाते थे और उसके माध्यम से ये दिखाते थे कि भगवान से ज़्यादा इनका लगाव है और अपनी धन संपत्ति, यानी कहने का मतलब है कि राजा बहुत धनी है। ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाती थी। तो इस तरह हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो राजा लोग एक राज से दूसरे आक्रमण करते थे उसमें बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए जाते थे, बहुत सारे उसमें लूट लिए जाते थे, मंदिरों को लूट लिया जाता था। इन द 9th सेंचुरी द पांडे किंग श्री बल्लभ अटैक श्रीलंका एंड डिफीटेड सेना फर्स्ट एंड ऑल्सो सीज द गोल्डन इमेज ऑफ बुद्धा एंड रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स फ्रॉम द मोनेस्ट्रीज। और 9th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं पांडे राजा श्री बल्लभ द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण किया गया। उसमें सेना प्रथम शासन कर रहे थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति उन्हें उठा ली, वहाँ से मंदिर उठा लिया गया और बहुत सारे जो हीरे जवाहरात थे उस बहुत सारे मठों में रखा गया उसको उसने ले लिया था। बाद में सेली किंग से सेना सेकंड द्वारा ऑर्डर उसने अपने जनरल को दिया, मदुरई पर उसने आक्रमण किया और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति उठा के ले गए थे उसको पुनः उन्होंने अपने मंदिर में स्थापना करा। इन द 11th सेंचुरी द चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ड अ शिव टेम्पल इन हिज कैपिटल। राजेंद्र चोल ने अपने राज्य अपने राजधानी में शिव टेम्पल बनवाया और उसमें बहुत सारे जगहों से जो उसने मूर्ति उठा कर लाया था अलग चालू के राजाओं से, गणेश की मूर्ति हो गई, दुर्गा स्टैचू हो गई, नंदी की हो गई, ये बहुत सारे मंदिर अपने मंदिर में स्थापित कराया। इट वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश द भैरवी लॉर्ड शिव द भैरवी फॉर्म ऑफ फ्रॉम द कलिंग ऑफ उड़ीसा एंड काली स्टैचू ऑफ पाल ऑफ बंगाल। और उसने भैरवी की मूर्ति जो भगवान शिव के प्रतिमा के रूप में कही जाती है जो उड़ीसा से ये राजेंद्र चोल लाया था और पाल राजाओं का हरा कर उसने माँ काली की मूर्ति लाया तो उसको भी अपने मंदिर में स्थापित कराया। During his various campaign in the India, Muhammad of Ghazni attacked the temple of looted wealth and idols. और मोहम्मद गजनी जब भारत में आया तो उसने बहुत सारे मंदिरों को लूटा और तोड़ा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो लूटपाट की उसे सोमनाथ का मंदिर था और इस तरह अपने ये अपने को दिखाने की कोशिश की कि ही इज़ ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम और अपने को ये इस्लाम के बहुत बड़े हीरो के रूप में दिखाने की कोशिश की मोहम्मद गजनी। इस तरह देखते बहुत सारे राजा लोग क्या करते थे, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बहुत सारे मंदिरों को लूटपाट करते थे, बहुत सारे मूर्तियाँ वहाँ से उठा ले जाते थे। नाउ डिस्कस अबाउट गार्डन एंड द टेम्पल एंड फोर्ट। मुगल गार्डन्स वाले गार्डन के बहुत सारे जो गार्डन बनाए जाते थे, जो किले बनाए गए और मुगल लोग समय उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मुगल गार्डन वाज जनरली प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द ह्यूज गार्डन कम्प्लेक्स विच सब डिवाइडेड टू स्क्वायर कंपार्टमेंट काल चारबाग। मुगल लोग बहुत बड़े बड़े बाग लगाते थे और उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता था, स्क्वायर के टाइप में बांटा जाता था जिसको चार बाग के नाम से जाना जाता है। द मुगल ऑल्सो बिल्ट लार्ज गार्डन वेरियस लेवल्स एंड सेट्स ऑफ द चारबाग पैटर्न। मुगल लोगों ने बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे बाग लगवाए। एज फॉर एग्जाम्पल के हम देख सकते हैं द मुगल लोगों ने निशांत बाग काश्मीर में निशांत बाग बनाया लगवाया, पिंजौर गार्डन पंजाब क्षेत्र में और लाहौर क्षेत्र में शालीमार बाग उन्होंने लगाया था। इसमें आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर निशांत बाग इन काश्मीर का निशांत बाग पिक्चर में आप देख सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ टॉम वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द मिराबल पीरियड के समय में बहुत सारे टॉम क्या होता था, मकबरे जहाँ पर राजा लोग मर जाते थे उनको दफना दिया जाता था, अंदर गाड़ दिया जाता था जमीन के अंदर और उसके ऊपर बहुत सारे मंदिर ये बहुत बड़ा घर जैसा आकृति बना दी जाती थी। उसमें ये स्मारक उस समय उसको स्मारक कहा जाता था, उसके ऊपर बहुत सारे गुंबद बने होते थे, गुंबद ये गोल संरचना होती थी तो उसमें डबल गुंबद डोम कंप्राइजेज इनर एंड आउटर लेयर
एंड सीलिंग प्लेस मच लोअर दैन द प्रोपोर्शन ऑफ नेचुरली डिस्टर्ब। इस तरह हम लोग देख सकते हैं हुमायूं का टॉम जो है दिल्ली में सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टॉम आर्किटेक्चर, इसमें हुमायूं का मकबरा जो बना था दिल्ली में और सबसे बहुत ही अच्छा वो एग्जाम्पल है। इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा, ये आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर ढंग से ये इसमें दो गुंबद का उपयोग किया गया इस मकबरे में। इसमें आप देख सकते हैं उसके आसपास चारों तरफ गार्डन लगाया गया था ताकि इसको अच्छी तरह से सजाया भी गया था। ऑक्टोगोनल इसमें जो आठ अष्टकोणीय इसमें शेप का गुंबद बना हुआ था और ये दो तल्ला बना हुआ था, इसे ग्राउंड फ्लोर होकर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे करके बना हुआ था, स्टोरी दो उसमें थी। साथ ही साथ मुगल हैज यूज्ड पीटर ड्यूरस स्टाइल ऑफ इंटरले डेकोरेशन इंडिया। भारत में मुगलों ने पीटर ड्यूरस स्टाइल लागू करने की कोशिश की। इसमें क्या गया था, इसमें फ्लोरल डिजाइन जो भी होता था इसमें फूल पत्ती के डिजाइन जो संरचनाएँ बनती थी उसमें बहुमूल्य पत्थरों के साथ मिला करके फूलों के डिजाइन बना करके इसे सजाने की कोशिश की जाती थी। इस तरह हम लोग देखते हैं इस तरह की प्रैक्टिस बहुत सारे हमारे जो भी संरचनाएँ वहाँ मिली हैं या स्मारक मिले हैं मुगलों के समय के, ये देखने को मिलती है। उसमें दे ऑल्सो बिगेन टू प्रैक्टिस पुटिंग ऑफ बिल्डिंग्स मेड एंटायरली ऑफ मार्बल्स, मार्बल के संगमरमर से बहुत सारे जो बनाए गए थे स्मारक, उसमें एक ताजमहल का ऐसा एग्जाम्पल के रूप में ताजमहल का नाम ले सकते हैं जिसको पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। द आउटर पार्ट ऑफ द नाउ एंड सी द आउटर पार्ट ऑफ द अकबर टॉम एट सिकंदरा नियर आगरा इज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विथ ऑक्टोगोनल टावर्स एट ईच कॉर्नर्स, अष्टकोणीय बहुत सारे टावर लगाए गए हैं सिकंदरा में। अकबर का मकबरा है जहाँ पर, ये आगरा में ही सिकंदरा जगह है जहाँ पर अकबर का मकबरा बनाया गया था। ये अलग अलग टावर बनाए गए इसमें, ये बीच में कोई गुंबद नहीं दिया हुआ है, इसको 5 स्टोरी 5 तल्ला का बनाया गया है और उसमें चौड़ा बीच में आंगन भी था। इसमें बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है ये, खास करके मुगल लोगों की, ये चारों तरफ से साथ में बीच में 8 रूम से घिरा हुआ था। इसको इसी कारण इसको एक पैराडाइज के नाम से जाना जाता है और इसके चारों तरफ गार्डन लगा हुआ था। आप ताजमहल के क्रॉस सेक्शन ऑफ द ताजमहल देख सकते हैं कैसे इसमें डबल गुंबद, एक गुंबद नीचे में है और दूसरा ऊपर में, ये डबल गुंबद कहा जाता था। ये ताजमहल की स्ट्रक्चर है, इसमें मैप इसका दिखाया गया ताजमहल का। मुगल ऑल्सो मेड सो मैनी फोर्ट, मुगलों ने बहुत सारे किले बनवाए। उसमें मुख्य रूप से जो किले होते थे उसमें राज परिवार के लोग, राजा रहता बादशाह रहा करता था और उसके परिवार के सदस्य रहा करते थे और साथ ही साथ बहुत सारी उसमें मिलिट्री भी रहा करती थी, सेना भी रहा करती थी। अकबर बिल्ट ए पैलेस कम फोर्ट एट फतेहपुर सिकरी आगरा, अकबर ने बहुत सारे वहाँ पर फतेहपुर सिकरी में एक महल किले की तरह बनवाया और उसे बहुत सारे इमारतें बनवाई गई, पंचमहल हो गया, बिरबल महल हो गया, जोधा भाई महल हो गया, ये बहुत सारे महल बनवाए गए थे। सबसे अधिकतर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट, शाहजहाँ और लाल किला में जो किला बनवाया गया ये बहुत ही अपने क्लाइमेक्स पर पहुँच गया। कहने का मतलब है किला जो बनवाया गया शाहजहाँ के द्वारा उसमें बादशाह रहा करता था। ये लाल किला का पिक्चर आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में लाल किला है, ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। इस तरह बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द विजन एंड एम्पायर। अब थैंक यू।